जलगोड़ा किसके लिए मशहूर है? जलगोड़ा किसके लिए मशहूर है? जेल गाना। अब वहां जेल में है अभी, सही है नहीं? एमएम के जेल में है तो जलगोड़ा एमएम जेल है। यहाँ पे जेल मशहूर है, आप लोगों में जेल में बंद है, बंद है ना? आप लोगों को जेल से बाहर आ जाना। बस मैं एमएलए बनने के बाद में यहाँ से इंशाल्लाह ताला जेल बना देंगे, वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट, इंडोर स्पोर्ट बना देंगे, अपने बच्चों को तालीम दे देंगे वहां पे इंशाल्लाह ताला। जैसा सानिया मिर्जा का नाम है, सिराज भाई का नाम है, जैसा अजहरुद्दीन का नाम है, इंशाल्लाह ताला चंचलपुर से अपने बच्चों 100% स्पोर्ट बना देंगे इंशाल्लाह ताला। जो बोलते होगा सर की तकरीबन बहुत करते रहते, भाषण करते, भाषण देते रहते, डेवलपमेंट का बात नहीं करते। आपको भाषण नहीं चाहिए भाई, डेवलपमेंट चाहिए। आज जो पढ़ा लिखा बच्चा है उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट देगा कितने जन बने यहाँ पे? आईएएस ऑफिसर बनेगा, बने कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा यहाँ पे? क्या बने? तरकारी का दुकान, फूल का दुकान, फूल का दुकान, छोटे छोटे कारोबार। आप जिंदगी भर मोज का दुकान चलाते रहना, ऑटो चलाते रहना, ऑटो रिक्शा चलाते रहना, क्या ये है डेवलपमेंट? ये नहीं होना चाहिए। अगर मोज का काम होगा घर, आप उनका बच्चा एक टीचर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, वो रहना चाहिए इतना ज्यादा। ये ऑटो चला रहा बच्चा, उनको पायलट बनना, उनका बेटा पायलट बनना चाहिए, वो रहना इरादा अपना, वैसा सोच रखना चाहिए। पांच साल के ऊपर इलेक्शन आता, मेरा मकसद जो है ना गरीबों को मदद करना, खिदमत करने के वास्ते में पॉलिस में आया। देखो मैं ऐसा नहीं कि चलो तकरीर करो, कुछ भी करो, वोट डालो निकल जाओ, वैसा नहीं। मैं समझ सकता हूँ गरीब का क्या हालत रहता, पढ़े का क्या इम्पोर्टेंस रहता, मन पैसे का क्या इम्पोर्टेंस रहता। अगर एक आदमी अपने माहौल में अगर आपके सामने एक आदमी बढ़ा लेता है, एटलीस्ट उनके एटलीस्ट 10 फैमिलीज को मदद हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। वो माहौल क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे जॉब करे, एटलीस्ट 1000 लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहता, रहता नहीं रहता? अगर 100 जने बच्चे पढ़े लिखे हैं और अच्छे नौकरियां करे, उनके साथ में एटलीस्ट 100 जने को अच्छा उनको माहौल बना सकते। बहुत सारे मसले है, बोल से भैया 15 साल 50 साल और कोई दिल से सोच रहे बदलाव आना रुके, स्पेशली चंचलपुरा में लास्ट इलेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60-70% वोटिंग हुआ अपने पास। अपने एक पीढ़ी भी मुजफ्फर अली खान साहब को आए, आयुष वोट चंचलपुरा से आए, वो अच्छी बात है इंशाल्लाह। यहाँ पे 20,000 वोट से अरे वोट इस बार कांग्रेस के लिए होना चाहिए, बोला ना? मैं बोलने की जरूरत नहीं, अक्सर उतनी रोज से क्या बोले, यहाँ पे तकलीफ क्या दिए, याद है ना आप लोग को? याद है नहीं? चलो याद रखो इंशाल्लाह ताला हम आपके सबके साथ है। राहुल गांधी जी एक बात बोलते रहते, नफरत के दुकानों पे, नफरत के बाजारों में मोहब्बत के दुकान खोलना है। यहाँ पे नफरत भरा हुआ है, इंशाल्लाह ताला मोहब्बत के दुकान में बोलेंगे, बोलिए इंशाल्लाह ताला। रोड शो इंशाल्लाह रहता है पक्का, इंशाल्लाह ताला 26-28 के बीच में इंशाल्लाह ताला राहुल गांधी जी का भी रोड शो रहेगा इंशाल्लाह ताला। हर एक का धर्म समझने वाला राहुल गांधी जी, देश में कांग्रेस को जिताना जरूरी है, वो मुसलमानों से होता होता नहीं होता? कर्नाटक का एक एग्जाम्पल है, कर्नाटक में ये मुसलमान वन साइड डाले हो रहा जीत हासिल करें नहीं करे इंशाल्लाह। तेलंगाना में सेम सिचुएशन है, आज का रिपोर्ट है मोर देन 70 सीट कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस को भी पता है कांग्रेस का ले सकती है। आप लोग को 15 साल से तो देखे ना कांग्रेस के 6 गारंटीज मैनिफेस्टो के अलावा 6 गारंटीज पक्का है। अरे गौरव को 2,500 रुपए महीने का तनख्वाह मिल जाता घर बैठे बैठे, बस ट्रैवलिंग एंटायर तेलंगाना में आपको कहीं भी जा सकते, बस फ्री है, गैस 500 रुपए में, और तो बिजली
से साहब मेरा भी 2000 5000 वेतन से मैं उठा के कट कर ले रहा। इंशाल्लाह ताला आप द्वारा कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाले कोई भी टाइम की कटे रख लेती है इंशाल्लाह ताला अच्छा कर बच्चों के से 5 लाख रुपए हाइयर लीवेज मार्च मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। इसको घर में ये 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए मिलता ये पूरे गारंटी में जैसे कर्नाटक में 5 गारंटी दिए 5 गारंटी सेटलमेंट करे सो है इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी 6 गारंटी से 6 गारंटी 100% गारंटी सब मिलने वाले और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट हर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे चंचलपुरा में स्पेशली 3000 16 16 रुपए देते रुके मिले क्या कुछ पैसे अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगार को मेरा भत्ता मिला क्या देखकर वादा करे ना और अनएम्प्लॉयड को 1 लाख मुसलमानों के 1 लाख रुपए का लोन देकर मिला क्या कुछ नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला बेरोजगार भत्ता 4000 रुपए मिलेगा इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली ये जो बच्चे पढ़े 18 में नबो उन लोग को सुनने वाले हैं ताले 15-20 दिन सबर करो इंशाल्लाह ताला 100% होने वाले हैं। कांग्रेस और माइनॉरिटी मैनिफेस्टो भी है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन उसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान भाई मेरे हिंदू भाई SC ST सब तेलंगाना में जग चुके हैं उनको ये पता है कि तेलंगाना प्रदेश उसको किसने दिया है। तेलंगाना प्रदेश जो है वो सोनिया गांधी जी का देन है गांव के लोगों को। पर 9.5 सालों में TRS ने क्या दिया है यहाँ के आवाम को तकलीफ और मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात। BRS का तो VRS होने वाला है इस बार। BRS का मतलब क्या है पता है क्या है BRS का मतलब रिटायरमेंट। BRS का मतलब इस बार VRS ले दे रहे हैं आप सब उनको जनता जो है वोटर इस बार उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो नंगा बिल्ला का जो दलाल हैदराबाद में बैठा हुआ है ये पतंग को खत्म करने का काम यहाँ के आवाम करेंगे और दिखा देंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाया जिस कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश बनाया अब वापस तेलंगाना में आप कांग्रेस के राज में आगे और यहाँ के आवाम को सुधारें। मेरी महिला बहनों मेरी माताओं आप मुझे बताइए गैस के लिए आप क्या दाम कर रहे हो पैसे दे रहे हो गैस के लिए कितने में खरीद रहे हो गैस सिलेंडर कितने में 1200 1100 जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वहां की बहनों को 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे सकते हैं तो ये गंगा बिल्ला और BRS और ये सारे पतन की सरकार जो मिली जुली सरकार है वो हमारी बहनों के लिए क्या कर रहे हैं हमारी बहनों की इज्जत जो है उनके चलते सबसे ज्यादा अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है सदन इंडिया के ये तेलंगाना में हो रहा है। और साथ ही साथ चुपके साथ ही कहना पड़ रहा है हमने हमारी बहनों के लिए शौचालय जो आंगनबाड़ी में होना चाहिए ना शौचालय हमारा अधिकार है या नहीं आंगनबाड़ी की बहनों को जाके पूछे 18,000 करीब आंगनबाड़ी जो सरकार बहनों के लिए नहीं सोच सकता है जो सरकार वहां के युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते 2 लाख से ज्यादा सरकारी पोजीशन खाली है क्यों सकता है वैसे विधायक को उखाड़ फेंकने का काम कौन करेगा आप सब मिलके करोगे आपके खून में यहाँ पे जितने भी मेरी बहनें यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जो खड़े हैं
जो देश के लिए हमारे लीडर ने अपनी जान भी दी है। इंदिरा जी, राजीव जी के खून का आप सभी को स्वागत है। उठिए, जागिए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से अकबर भाई को चिताइए। अकबर भाई एक ऐसी पार्टी है कि आप सबके सुख दुख में साथ